आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। आज का हमारा प्रश्न है, एक समतल में एन बिंदु है, इनमें से कोई भी तीन संरेखीय नहीं है, तो इन बिंदुओं से बनने वाली त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। इसके लिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि प्रश्न में क्या बोला गया है। कुल हमें एन बिंदु दिए गए हैं, जैसे कि एन का मतलब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी बिंदु हो सकते हैं, परंतु इनमें से कोई भी तीन संरेखीय नहीं है। मतलब कोई भी तीन बिंदु ऐसे नहीं है जिनसे कि हम एक सरल रेखा बना सके। जैसे कि उदाहरण के लिए हम यहाँ पर माने कि ये तीन बिंदु हैं, इन तीनों बिंदुओं का मतलब क्या होता है, संरेख, क्योंकि इन तीनों बिंदुओं से यहाँ पर एक सरल रेखा बन जाती है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, संरेखीय बिंदु। परंतु इसमें क्या है, इसमें जो एन बिंदु है उनमें से कोई भी तीन बिंदु संरेखीय नहीं है, तो इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुजों की संख्या, अब जैसा कि हमें पता है त्रिभुज बनाने के लिए हमेशा तीन बिंदुओं की जरूरत होती है। यदि तीन बिंदु होंगे तभी हमारे पास त्रिभुज बनेगी, क्योंकि त्रिभुज का मतलब क्या होता है, इसमें तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तो इस प्रकार तीन बिंदुओं को मिलाकर हम त्रिभुज बना सकते हैं। पर हमारे पास कुल बिंदु कितने हैं, एन है, तो इन एन बिंदुओं में से तीन तीन बिंदुओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, इसका पता लगाने के लिए हम प्रयोग करेंगे संचय का। इस तरह से यदि हमें कुल एन में से आर संख्याओं के जोड़े बनाने हो तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एन सी आर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कुल एन बिंदुओं में से तीन तीन बिंदुओं के जोड़े बनाने हैं, तो इसलिए एन सी तीन। अब यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारे पास क्या होगा, ऊपर एन का फैक्टोरियल, नीचे तीन का फैक्टोरियल, एन घटा तीन का फैक्टोरियल, ये हमारे पास क्या होता है, संचय का सूत्र, एन सी आर। इसका मतलब क्या होता है, एन फैक्टोरियल बटे आर फैक्टोरियल, एन घटा आर फैक्टोरियल। तो इसी का प्रयोग करके हम इसको हल करेंगे। ऊपर जो एन फैक्टोरियल है उसको खोल लेते हैं, एन, एन घटा एक, एन घटा दो और एन घटा तीन फैक्टोरियल, और नीचे भी हमारे पास एन घटा तीन फैक्टोरियल है, तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, तीन फैक्टोरियल, मतलब तीन गुना दो गुना एक। इस प्रकार यदि हम इसको हल करते हैं तो एन घटा तीन फैक्टोरियल से एन घटा तीन फैक्टोरियल कट जाएगा और हमारे पास जो उत्तर बचेगा वो क्या बचेगा, एन, एन घटा एक, एन घटा दो बटे छह। अब इसका मतलब ये होगा कि हमें कितने भी बिंदु दिए जाएं हम उनसे निकाल सकते हैं। यदि एन की जगह हमें कोई किसी प्रश्न में 10 बिंदु दिए गए हों तो हम एन का मान यहाँ पे 10 रख के और उसमें पता लगा सकते हैं कि उन 10 बिंदुओं को मिलाने से कितनी त्रिभुजें बनाई जा सकती हैं। परंतु वहाँ पे शर्त क्या होनी चाहिए कि कोई भी तीन बिंदु संरेखीय नहीं हो। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।